एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं ममता चौरसिया और आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ एक ऐसी सब्जी की रेसिपी जिसको बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। तो चलिए, आज हम बनाने वाले हैं करेमुआ का साग। इसको करेमुआ भी कहते हैं, करेमू भी कहते हैं, नारी का साग भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये साग ले लिया है और मैं इसके पत्तियां छांट लूंगी। इसके जो तने होते हैं वो खोखले होते हैं, तो हमें इसकी नीचे की पत्तियां छांट लेनी है और जो ऊपरी जो तना है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम इसको काट लेंगे और इतना जो इसका नीचे का हिस्सा है हम उसको कट करके रख लेंगे ताकि हम इसे वॉश करके इसे काटें। तो चलिए, पहले मैं इस पत्तियों को छांट लूंगी। इसका जो तना होता है वो भी फायदेमंद होता है, इसलिए तने को आप बहुत ज़्यादा ना काटिए। जितना भाग सख्त है आप उसको काट लीजिए और जो मुलायम तने का भाग है उसको सब्जी के लिए भी रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो देखिए, यहाँ से मैं तना इतना कट करके रख लूँगी और बाकी का जो हिस्सा है उसको सब्जी बनाने में यूज़ करेंगे। तो इसी प्रकार से मैंने धो लिया है और अब मैं इसे नाइफ से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। तो चलिए, सारी मैंने जो सब्जी है, ये साग है, काट लिया है। तो ये मेरा साग कट के रेडी हो चुका है और अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तो चलिए, तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लेना है। तो कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच मैंने तेल गरम कर लिया है। अब जैसे ही तेल गरम होगा इसमें मैं ऐड कर दूंगी लहसुन। लहसुन के बाद मैंने ऐड कर दिया है अब प्याज, और अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें हरी मिर्च। तो चलिए, हरी मिर्च भी मिला लेते हैं इसमें। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी और ये बनते भी बहुत टेस्टी हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, इन सभी चीज़ों को हम हल्का ट्रांसपेरेंट कलर होने देंगे। तो चलिए, इसको मिक्स कर लेते हैं जब तक इसका ट्रांसपेरेंट कलर नहीं होता। अब हम ऐड कर देंगे इसमें जितना हमने साग काट के रखा था, इसमें सब हम ऐड कर देंगे। तो इसको चला लेंगे एक बार और ऊपर से मैं ऐड कर दूंगी नमक। आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ क्योंकि बाद में इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। अब मैं आज डालूंगी आधा चम्मच हल्दी। तो सिर्फ 2 ही चीज़ें डाल रही हूँ मसालों में। इन सभी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सब्जी को बनाने के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं इसमें, क्योंकि प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम होती है उनको इन सब्जी का सेवन करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन में भी ये फायदा पहुंचाता है, तो सब्जी ना होकर कि ये एक बिल्कुल दवाई है। तो चलिए, हमने मिक्स कर लिया है, 10 से 12 मिनट तक अब इसको कवर कर देंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी सब्जी का अच्छे से चला लेंगे। तो देखिए, नीचे नीचे अभी पानी है, अभी ये अच्छे से पका नहीं है। तो इसको एक बार चलाने के बाद फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। तो 5 मिनट बाद अब मैं इसको चेक करूंगी ताकि उसका पानी सूख जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं और सब्जी का ऑलमोस्ट पानी भी सूख चुका है। तो इसको सर्व कर लेते हैं। अब ये सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको हम राइस और रोटी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी जरूर बताइएगा। और अगली बार आऊंगी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले मैं फिर से कहूंगी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।